लोकसभा चुनाव से पहले राजधानी दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लवली ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी दर्ज की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी, जो कांग्रेस के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार पर बनी थी। इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आपके साथ गठबंधन करने का निर्णय लिया। अरविंदर लवनी ने इस्तीफे में लिखा है कि वह कई कारणों से खुद को अपंग महसूस करते हैं और दिल्ली पार्टी इकाई के अध्यक्ष के रूप में बने रहने में अपने आप को असमर्थ समझते हैं। पत्र में उन्होंने लिखा कि 31 अगस्त 2023 को मुझे दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसके लिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने पिछले 7 से 8 महीनों में दिल्ली में पार्टी को फिर से स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पार्टी फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाए जैसी कभी थी। इसी क्रम में बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पार्टी के जमीनी स्तर के नेता तंग आ चुके हैं। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। कांग्रेस के अंदर सब ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस में जिस प्रकार से एक परिवार सब कुछ चलाना चाहता है और परिवार ही तय करता है, उससे पार्टी के जो जमीनी नेता वो तंग है। और जिस प्रकार से उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ समझौता किया और लोगों को अपने कार्यकर्ताओं को मजबूर किया, उससे कार्यकर्ता भी तंग है। और जमीन पर उनके कार्यकर्ता आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए, जहां उनके सांसदों जिनको सांसद के लिए टिकट मिला, उनके लिए काम कर नहीं रहे। कोई देखता है उनको कि कल तक जिन लोगों को लेकर वह खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज उन्हीं लोगों के साथ समझौता कर चुनाव लड़े, ये कैसे पॉसिबल है? तो दिखता है कि वहां पर लोगों का सांस घुट रहा है, लोगों को घुटन हो रही है, इसलिए वैसी हो जा रही है।